नमस्कार दोस्तों, तो एमएस कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सैंपल पेपर 13 करेंगे, इसका मतलब जो 13वां हमारा जो सैंपल पेपर है उसको हम सॉल्व करके देखेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो आप जुड़े रहिएगा और इन सभी क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि 12 मॉडल पेपर बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन उनके अंदर हमने डाले हैं, उनको भी करके देखिए कितना आप कर सकते हो उन क्वेश्चंस में से। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनको भी करके देखना, और आज के जो क्वेश्चन हैं इनको भी करके देखिएगा। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर आप तुरंत बताना कि कैसा आपको लगता है या क्या इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब इसको करने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ कि कौन कौन सी वीडियो कब आएगी। देखो, न्यूमेरिकल्स की जो वीडियो है वो हम हो सकता है कि मंडे तक, इसका मतलब है कि 18 तारीख तक जो है वो न्यूमेरिकल्स की जितनी वीडियोस हैं उन सबको हम डालना शुरू कर देंगे, तो उनके लिए भी आप तैयार रहें। साथ ही साथ जो आज की जो वीडियो है इसको पूरा देखिएगा, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर करने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हमने इनके अंदर डाले हैं, ईजी भी हैं, हार्ड भी हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जरूर समावेश किया है इसमें, तो उनको देखने के लिए जुड़े रहिए। और अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो अब हम शुरू करते हैं। आपको देखो दो नाम दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से, एक तो हमारा चैनल का नाम दिख रहा है आपको एमएस कैंपस, और एक दिख रहा है सैंपल पेपर 13। अब इनके बाद में कौन सा क्वेश्चन है उसको करने के लिए हम कोशिश करते हैं। देखिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ लिया सबसे पहला ही, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक अंतर लिखिए। जो क्वेश्चन पूछा है वह पूछा गया है कि भाई विस्थापन और द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है इसमें क्या अंतर हो सकता है। तो देखो, सबसे पहले तो हमको अंतर जो है वो हम तभी क्लियर कर सकते हैं जब हमें ये पता होगा कि ये अभिक्रियाएँ होती क्या हैं। आपने फिफ्थ चैप्टर जो है आपका, सिक्स चैप्टर, उसके अंदर अभिक्रियाएं हैं बहुत सारी, जिनमें से दो अभिक्रियाएं हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। इनको एक एक करके समझते हैं, हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो हमको पता होनी चाहिए वह यह है कि विस्थापन अभिक्रिया जो होती है ये किस चीज को प्रदर्शित करती है, ठीक है। जब तक हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं होगी हम क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे कि क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है। तो देखो, विस्थापन अभिक्रिया जो होती है इसमें प्रमुख रूप से यह अधिक क्रियाशील तत्व जो होगा वह कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसका हम उदाहरण देखना चाहें तो उदाहरण हम लिख सकते हैं ZN प्लस H2SO4 और इनसे बन जाता है ZNSO4 प्लस H2। तो ये जो अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें जिंक जो है वह अधिक क्रियाशील है किससे, हाइड्रोजन से। तो इसको हटा दिया, खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ गया और हाइड्रोजन को इस अभिक्रिया में से बाहर निकाल दिया। तो यह जो अभिक्रिया है वह विस्थापन अभिक्रिया का प्रमुख रूप से उदाहरण है। अब इसी तरीके से बहुत सारे जो उदाहरण हैं वो इसमें अंदर पूछे जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर विस्थापन अभिक्रिया की हमको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटाता है उसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वह पूछा गया है भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो देखो, जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है उसके अंदर हटाया नहीं जाता किसी को भी, उसमें केवल और केवल आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब जो आयन पहले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक दूसरे में एक्सचेंज कर लेंगे, अदला बदली कर लेते हैं आयन्स की। ये जो अभिक्रिया होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। ये दोनों ही अभिक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो एक तो हो गई विस्थापन अभिक्रिया और जो दूसरी है वह है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अंतर समझ में आ गया। आंसर में दोबारा बोल रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा दे वह तो कहलाती है विस्थापन, और जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है वह पूछा गया है मैथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। इसका मतलब मैथेन जो होता है जब उसे जलाया जाता है या उसका ऑक्सीकरण किया जाता है तो क्या क्या बनता है, एक तो वो बताना है, और वह बनता किस तरीके से है इन सब चीज़ों की जो जानकारी है वो इस अभिक्रिया में आपसे मांगी गई है। बहुत ही सरल सवाल, एक नंबर के लिए ये सवाल पूछा गया है, पहले भी पेपर्स में पूछा गया है। तो उसी में से ये देखो जो क्वेश्चंस हैं इनमें से अधिकतर ऐसे ही होते हैं जो आए हुए हैं, और उनके आधार पर ही हम हमारे सैंपल पेपर जो हैं उनको तैयार करते हैं। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत हो जाइए, क्वेश्चंस वही मिलेंगे जो कि जिनके आने की संभावना हो।
फालतू के क्वेश्चंस का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिनकी वजह से समय बर्बाद हो किसी का भी, हम नहीं चाहते उन क्वेश्चंस को लाना, क्योंकि उन क्वेश्चंस को तो आप पहले से ही जानते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, जिनका आने के चांसेस रहते हैं, उन क्वेश्चंस पर हमारा मेन फोकस होता है। क्योंकि जब आप हमारी वीडियोस को देख रहे हो, हमें इतना प्यार दे रहे हो, हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हो, तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त जो पढ़ाई है उसको उपलब्ध करवा सकें। आप अपनी किताबों से हटकर हमारा चैनल देख रहे हो, हमारी लाइव वीडियोस को देख रहे हो, तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चंस उपलब्ध कराएं जिनके आने की संभावनाएं होती हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये है, मैथेन के दहन का संतुलित समीकरण लिखिए। हालांकि लगने को सरल लग रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे हैं जो इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। आप में से जिन जिनको आता है वो मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। इतने में इस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख कर देखता हूँ और आपको समझाता हूँ, इतने आप फटाफट कमेंट कीजिए इसका आंसर। देखिए, मैथेन जो होता है, मैथेन का सूत्र होता है CH4, ठीक है। अब इस CH4 को हमें दहन करना है, तो दहन के लिए हमेशा याद रखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ठीक है। इस ऑक्सीजन से जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो तीन चीजें प्राप्त होती हैं, एक तो बनती है CO2, एक बनता है H2O, ठीक है, एक बनता है CO2, एक बनता है H2O, और साथ में ऊष्मा या प्रकाश जो है वह उत्पन्न होता है। तो CH4O2 जिससे बन रहा है CO2+H2O। अब देखिए इस अभिक्रिया में CH4O2CO2H2O, तो देखिए इसको संतुलित करना है, बनेगा तो यही चीज़ें संतुलित, इसको कर लेते हैं हम। यहाँ हाइड्रोजन आपको चार दिख रहे हैं, वहाँ दो ही हैं, तो यहाँ लगा दिया दो हमने, ठीक है। अब ऑक्सीजन देखिए, दो और दो चार हो गई, तो यहाँ लगा दिया दो, हो गई संतुलित समीकरण। CH4+2O2 जिससे बन जाएगा CO2+2H2O, तो यह जो है यह मैथेन के दहन की संतुलित समीकरण है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, साथ ही साथ ऊष्मा और प्रकाश भी निकलते हैं, जिनका उपयोग जो है वो हम किसी भी वस्तु को गर्म करने में, भोजन बनाने में, बहुत सारे जो कार्य हैं उन सभी में इसका उपयोग कर लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इस समय, CH4+2O2 जिससे बन रहा है CO2+2H2O। CH4 मैथेन का सूत्र होता है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं अभी के परीक्षाओं में, तो इन क्वेश्चंस पर आपका मुख्य रूप से फोकस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें भाई हम, इतना हो गया आपका है ना अच्छे से, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कमेंट कीजिए फटाफट अच्छे अच्छे, जो आपको आंसर आता है उसे मुझे भी बताइए कि आपको आते हैं या नहीं आते क्वेश्चन, तो कमेंट करते रहिए फटाफट। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है। देखिए अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ, अब आपको दिख रहा होगा है ना। क्वेश्चन, सोल्डर नामक मिश्र धातु के कौन कौन से अवयव हैं, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु का नाम बताइए। इतना अच्छा क्वेश्चन जिसे परीक्षाओं में पूछा गया है और जिसको कि आपको नहीं बताया जाएगा बहुत जगहों पर, लेकिन हम इस क्वेश्चन को आपको बता रहे हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है, क्या होगा। देखिए मिश्र धातु क्या होती है, सबसे पहले तो उनकी पता होना चाहिए, दो धातुओं से मिलकर बनाई हो या एक धातु एक अधातु हो जिनको एक निश्चित अनुपात में मिलाकर कोई नई धातु बनाई जाती है, उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कांसा है, पीतल है, सोल्डर है, ये सभी जो हैं ये मिश्र धातु हैं, ठीक है। अब ये मिश्र धातु तो हमें पता चल गया, लेकिन इस सवाल में हमसे जो मिश्र धातु पूछी है वो ये पूछी है कि सोल्डर किससे मिलकर बनता है, ये बताना है भैया हमें। मतलब कि जो सोल्डर जो धातु है या सोल्डर मिश्र धातु है जिसका हम उपयोग फ्यूज तार बनाने में करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, तो ये सोल्डर जो धातु है ये बनाई किससे जाती है, किन किन धातुओं से मिलकर ये बनी होती है, किन किन धातुओं का इसमें अनुपात डाला जाता है, वो सवाल पूछा है इसमें हमसे। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, और कमेंट कीजिए अगर आपको इसका आंसर आता है तो, सोल्डर किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है, सोल्डर धातु है जो। देखिए बहुत ही सरल आंसर है इसका, सोल्डर जो मिश्र धातु होती है, यहां पर बता रहा हूं इस क्वेश्चन को मैं, क्योंकि यहां थोड़ा सा खाली स्पेस दिख रहा है हमें। सोल्डर जो मिश्र धातु है ये दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, जिनमें एक तो होती है SN और एक होती है PB। आप में से ज्यादातर कमेंट करके सही आंसर दे रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, इसका मतलब आप पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक तो होती है SN और एक होती है PB। SN जो धातु है उसे हम कहते हैं टिन धातु, और जो PB धातु होती है इसे कहते हैं लेड धातु। तो टिन और लेड इन दो धातुओं से मिलकर बनती है सोल्डर मिश्र धातु, जिसका उपयोग जो है वो फ्यूज तार के अंदर किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्यूज तार के हिसाब से भी, कि फ्यूज तार में जो तार लगाया जाता है वह किस मिश्र धातु का बना होता है,
तो वहां ध्यान रखना शोल्डर का बनाया जाता है। और शोल्डर का ही क्यों बनाया जाता है ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि भाई हम लोहे का क्यों नहीं बनाते या तांबे का क्यों नहीं बनाते या जिंक का क्यों नहीं बनाते, क्या कारण है कि शोल्डर का ही बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, शोल्डर का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो शोल्डर है वह जो उसका गलनांक है वह इन धातुओं की तुलना में कम है, इसलिए जैसे ही थोड़ा सा अधिक तापमान मिलेगा उसको वह पिघलकर टूट जाएगा और जैसे ही टूटेगा परिपथ भी टूट जाएगा और जो घर के उपकरण हैं वह खराब होने से बच जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब घरों में ओवरलोडिंग होती है या लघु पतन होता है या शॉर्ट सर्किट होता है जिसे हम शॉर्ट सर्किट भी कहते हैं या ओवरलोडिंग होती है जिसे अतिभारण कहते हैं, इन सब स्थितियों में होता क्या है, इन सभी स्थितियों में तापमान बढ़ता है तो उस तापमान के बढ़ने से जो तार है वह पिघलेगा और जैसे ही तार पिघलेगा तो जो घर के सारे उपकरण हैं उनमें जो विद्युत धारा है उसका प्रभाव बंद हो जाएगा जिस कारण से वो उपकरण खराब होने से बच जाएंगे। इसीलिए तो हम फ्यूज को जोड़ते हैं, एक सुरक्षा युक्ति के रूप में कार्य करता है यह। तो ये सब जो चीज़ें हैं वह फ्यूज के रूप में कार्य आती हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा टिन और लेड, इनका मतलब इन दो धातुओं से मिलकर जो है वह है सोल्डर जो धातु है उसको बनाया जाता है। तो सही जो आंसर होगा वह होगा SN+PB। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आपको, ये उम्मीद है कि आ रहा होगा समझ में अच्छे से, ठीक है। इसी में अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दो सवाल पूछे हैं इसी में, जिसमें जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वह पूछा है तांबा और जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है। अगला जो क्वेश्चन पूछा है वह पूछा गया है कि तांबा और जो जस्ता है इनकी मिश्र धातु कौन सी है, इसका मतलब ये जो दोनों धातुएं हैं या जो इन दोनों से मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनती है। देखो बहुत ही सरल, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा हो तांबा जस्ते से तो प्रतीक चिन्हों पर हम चलते हैं। तांबे का प्रतीक चिन्ह होता है कॉपर और जस्ते का प्रतीक चिन्ह होता है जिंक। कुछ याद आ गया होगा, कॉपर और जिंक, देखिए कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल, क्या बनता है पीतल। तो पीतल जो धातु है वह इन दोनों से मिलकर बनी होती है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा पीतल की, जो पीतल जो मिश्र धातु है वह मिलकर बनी होती है कॉपर प्लस जिंक से। तो सही आंसर जो होगा वह होगा पीतल। समझ में आ रहा है मुझे लग रहा है कि अच्छे से। तो सोल्डर नामक मिश्र धातु का आपको पता चल गया, इसके बाद तांबा और जो जिंक है इनसे मिलकर बनी होती है पीतल मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन हम करके देखते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे, देखो ये सवाल लगने में सरल लगते हैं, ये वाला जो है आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के किस प्रकार के स्रोत हैं, ठीक है। आपकी जो किताब है साइंस की, दसवीं की जो किताब है, इसमें अधिकांश जो पेपर अधिकांश जो पाठ जोड़े गए हैं वो ऐसे जोड़े गए हैं कि बच्चे 100 में से 100 मार्क आसानी से ले आए, लेकिन पढ़ने का तरीका होना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है किस दिशा में उसको पढ़ना है वो अगर आपको जानकारी है तो आप उसको गलत कर ही नहीं सकते, किसी भी दशा में उसको गलत नहीं कर सकते आप क्वेश्चन को। इस तरह के जो क्वेश्चन हैं जीवाश्म ईंधन वाले जो क्वेश्चन हैं, अब ये भी अगर बच्चे गलत करके आएंगे तो देखिए दुख होता है, पढ़ाने वाले को भी होता है पढ़ने वाले को भी होता है कि इस तरह के क्वेश्चंस गलत कैसे हो जाते हैं। तो देखिए अब गलत नहीं होगा ये क्वेश्चन आपका, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का कैसा स्रोत है। देखो दो तरह के स्रोत होते हैं, एक होते हैं नवीनकरणीय, एक होते हैं अनवीनकरणीय, ठीक है। और दूसरे तरह के और स्रोत होते हैं, एक होते हैं समाप्य और एक होते हैं असमाप्य। तो देखो जीवाश्म ईंधन जमीन से निकल रहा है, अब जमीन में निकलने की एक सीमा तो होगी, क्या जिंदगी भर निकलता रहेगा। तो जीवाश्म ईंधन जो है वह समाप्य स्रोत है, कैसा स्रोत है समाप्य है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वह आएगा समाप्य, एक दिन खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिक कह कह के थक गए कि 50 से 60 वर्षों में 2050 तक जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा, तो वह क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी निश्चित सीमित मात्रा है जमीन के नीचे और एक दिन ऐसा आएगा कि यह पूर्ण रूप से खत्म हो जाएंगी। तो जीवाश्म ईंधन जो है वह समाप्य स्रोत है ऊर्जा का। और दूसरी चीज इसमें अगर आपसे पूछा जाए नवीनकरणीय है या अनवीनकरणीय है, तो इसका आंसर अगर उस तरीके से लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि यह अनवीनकरणीय स्रोत है, इसका बार बार उपयोग हम नहीं कर सकते, एक बार जलाओगे कोयले को राख बन जाएगा, राख को कितना ही जला लो उससे ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी। तो यह कैसा स्रोत हुआ, अनवीनकरणीय, लेकिन पवन ऊर्जा है, हवा चलती ही रहेगी चलती रहेगी बार बार चलती रहेगी, तो वह कैसा स्रोत होगा, नवीनकरणीय स्रोत, लेकिन
अगर जीवाश्म ईंधन की बात आती है, समाप्य स्रोत है और अनवीनकरणीय स्रोत है। क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा है, गलत नहीं होना चाहिए। समाप्य अनवीनकरणीय, असमाप्य नवीनकरणीय, दोनों के जोड़े चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। समाप्य के साथ जुड़ेगा अनवीनकरणीय, असमाप्य के साथ जुड़ेगा नवीनकरणीय, क्योंकि वो कई करोड़ों वर्षों तक रहने वाले हैं। सूर्य है, जब तक पृथ्वी है तब तक सूर्य रहेगा। अब पृथ्वी कब नष्ट होगी हमें नहीं पता। तो ये सब जो हैं वो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो आपके सामने लिख रहा है, अनवीनकरणीय या समाप्य स्रोत। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर हम इसको काट दें, ठीक है, इसकी जगह अगर मैं लिख दूं पवन ऊर्जा, ठीक है, क्या लिख दिया जाए, पवन ऊर्जा लिख दिया जाए, तो बताओ भाई ये पवन ऊर्जा फिर कैसा स्रोत होगा? तो अब क्वेश्चन चेंज हो गया, पवन ऊर्जा लिखते ही ये अनवीनकरणीय नहीं रहेगा, फिर कैसा बन जाएगा, ये नवीनकरणीय, क्योंकि आप जानते हैं कि पवन ऊर्जा नवीनकरणीय स्रोत है, जबकि जीवाश्म ईंधन जो है वह अनवीनकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा जो है वह भी नवीनकरणीय स्रोत है। ठीक है, आजकल जो हमारा जो देश है या पूरा विश्व जो है वह नवीनकरणीय संसाधनों की ओर जाना चाह रहा है, ताकि हम उनसे ऊर्जा को ज्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको ताकि आप इस क्वेश्चन को देख सकें। देखो थोड़ी सी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सुनिएगा, ये थोड़ी स्कैनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। निम्न अभिक्रियाओं में एक को पहचानिए, ये दो अभिक्रिया दी हुई है जिनमें एक को पहचानना है। ठीक है, क्या क्या है अभिक्रिया देख लेते हैं हम। अभिक्रिया दी हुई है ZN प्लस CuSO4 और इनसे बन रहा है A प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu, जिससे CuSO, ZN प्लस CuSO4 और इससे बन रहा है A प्लस Cu। बहुत सरल अभिक्रिया है, कई बार इसका अभिक्रिया को घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है और बहुत ज़्यादा दिमाग खपा देती है ये अभिक्रिया। सक्रियता श्रेणी के अकॉर्डिंग देखें, जब घुमा फिरा कर पूछा जाता है तब। देखिए जिंक अधिक्रियाशील है, अधिक्रियाशील होने के कारण ये क्या करेगा, इस CuSO4 को में से जो Cu है इसको हटाएगा, इसकी जगह खुद आकर जुड़ेगा, तो अब बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। तो A की जगह खाली दी हुई है, A की जगह हम आंसर लिख देंगे ZnSO4। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ZnSO4 या जिंक सल्फेट। तो इस अभिक्रिया में तो क्लियर हो गया भाई, ZN प्लस CuSO4, A प्लस Cu, तो A की जगह पर आप लिख देंगे ZnSO4। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी में जो दूसरा पूछा गया वह पूछा गया है Na2SO4 BaCl2 A प्लस 2NaCl, A की जगह बताना है क्या बनेगा। बहुत सरल क्वेश्चन, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है सीधा सीधा। देखिए यहाँ Na के साथ जुड़ रहा है SO4 और यहाँ Ba के साथ जुड़ रहा है Cl2, यहाँ Na के साथ क्या जुड़ गया, देखो Cl जुड़ गया ना, इसका मतलब Na के साथ यहाँ जुड़ गया Cl, तो Ba के साथ जुड़ जाएगा SO4। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, तो A की जगह हम लिखेंगे BaSO4। तो सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा BaSO4। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक स्थान पर आएगा BaSO4, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण, और जो पहला उदाहरण इसमें दिया हुआ है वह दिया हुआ है विस्थापन अभिक्रिया का। अब आप देखिए, मैं कह रहा था कि इस क्वेश्चन घुमा फिरा कर कैसे पूछा जाता है इस अभिक्रिया को। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में, ऐसे लिख देंगे आपको, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ा ध्यान देना इस क्वेश्चन पर, है ना, क्योंकि ये सवाल बहुत पूछा जाता है और हम जब परीक्षा हॉल में इसको करते हैं, जब हम जैसे ही देखते हैं अरे ये आ गया सवाल, ये तो बहुत सरल, इसको फटाफट फटाफट लिखाते हैं, लेकिन जब घर आकर देखते हैं कि अरे नहीं ये तो ऐसे नहीं होना था इसमें, तो वो अफसोस ना हो आपको, उस अफसोस से बचाने के लिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये अभिक्रिया लिख रही है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही लिख रही है, लेकिन वो क्या करेगा, अभिकारक और उत्पाद को चेंज कर देगा। कैसे, देखिए कुछ इस तरह से अभिक्रिया आपको दी जाएगी, Cu प्लस ZnSO4 और एरो के बाद में लिख देगा A प्लस बी। ठीक है भाई, अभिक्रिया आई Cu प्लस ZnSO4 और अभिक्रिया में लिख दिया A प्लस बी। अब आपने जैसे ही देखा अभिक्रिया को, अरे Cu प्लस ZnSO4, और आप क्या करेंगे, जो जो उसमें इसको लिख देंगे A और B की जगह पर CuSO4 प्लस ZN
विस्थापन अभिक्रिया करा दी हमने, तो भाई इसने इसको विस्थापित कर दिया और बन गया CuSO4+ZN। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है, इस अभिक्रिया में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर आपको जब भी हम विस्थापन अभिक्रिया करें तो उसकी परिभाषा में लिख रहा है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित करता है। लेकिन कॉपर जो है वह जिंक से अधिक क्रियाशील नहीं है। अब जब जिंक से अधिक क्रियाशील नहीं है ये, तो ये उसको विस्थापित भी नहीं कर पाएगा। तो ए और बी की जगह आप ये नहीं लिख सकते, ये नहीं बनेगा उस अभिक्रिया में। फिर क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा अभिक्रिया में। कॉपर प्लस जिंक सल्फेट की अभिक्रिया में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये कॉपर जो है ये इससे कम क्रियाशील है भाई, ये इसको विस्थापित नहीं कर सकता। अब जब विस्थापित ही नहीं कर सकता तो विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो यहाँ आंसर आप ध्यान रखना, इस अभिक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझ के क्वेश्चन को घुमाने के लिए दिया जाता है ये, तो यहाँ पर ये होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र निकालिए। समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? देखो मेंडलीफ के, और छोटा कर देता हूं भाई, लेकिन छोटा करूंगा तो फिर आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइडों के सूत्र लिखिए। अब बड़ा कर रहा हूं मैं, ठीक है भाई। चार दिए हैं, KCl, AL और BA। इनके आपको बताने ऑक्साइड, क्या क्या ऑक्साइड हो सकते हैं इनके भाई? देखिए पोटेशियम, पोटेशियम का जो ऑक्साइड मिलेगा वो मिलेगा आपको K2O। क्यों मिलेगा? क्योंकि पोटेशियम की जो संयोजकता होती है वह होती है +1। तो +1 संयोजकता होने के कारण से, और ऑक्सीजन की संयोजकता हम जानते हैं होती है -2। तो देखो इधर +1 और इधर -2, वज्र गुणा करेंगे तो सूत्र बनकर आएगा K2O। तो इसके ऑक्साइड तो आपको ऐसे देखने को मिलेंगे K2O के रूप में। ठीक है भाई, समझ आ रहा है ना आपको अच्छे से? वज्र गुणा करते हैं, अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं तो 9th क्लास में सीख कर आए होंगे इस चीज़ को। नहीं भी सीख के हैं तो दोबारा से बता रहा हूँ, संयोजकता का क्रम चलता है। ये लो भाई मिटा दिया, अब दोबारा समझा रहा हूँ। देखिए के ऑक्सीजन, के की संयोजकता होती है +1, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2। वज्र गुणा करना है, सूत्र बन जाएगा इसका, इससे किया इसका किससे किया, तो K2O बन गया सूत्र K2O। तो इसके सारे ऑक्साइड ऐसे देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं दूसरा, दूसरा जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कार्बन। कार्बन जो है इसकी संयोजकता होती है 4। ठीक है, ऑक्सीजन जो है इसकी संयोजकता होती है 2। करिए वज्रगुणा, वज्रगुणा करेंगे कुछ ऐसा आएगा C2O4। अब इस C2O4 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि हमें छोटे सूत्र जो होता है वो छोटा होना चाहिए, तो इसमें अभी हम 2 का भाग देंगे तो कट सकती हैं दोनों संख्याएं। 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा C2O4 से क्या आ जाएगा CO2। तो इसका ऑक्साइड हमको क्या देखने को मिलता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना भाई, इसमें किसका भाग देंगे? 2। ये आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को, क्योंकि ये कम से कम छोटा वाला सूत्र, जैसे आप अनुपात करते हो, अनुपात निकालते हो ना, तो 10:20:30 आया अनुपात, तो 10:20:30 को छोटा करके लिख सकते हैं हम 5:10:15। तो वही वाला सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है ना, 5:10:15 से छोटा होगा नहीं वो, या हो जाएगा? नहीं होगा। तो वही वाला सिस्टम यहां पर कि 2 और 4 से छोटा बना दिया CO2। अगला है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को भी देख लेते हैं भाई। एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है 3, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। कर दो वज्रगुणा, Al2O3। तो इसका जो हमें देखने को मिलेगा वह देखने को मिलेगा Al2O3। ठीक है भाई, Al2O3। अगला क्वेश्चन BA, बेरियम की संयोजकता होती है +2, तो BA की +2, तो यहाँ लिख दिया हमने 2, ऑक्सीजन की भी 2, तो क्या बन जाएगा? BaO। इसका जो सूत्र बनेगा वह बनेगा BaO। तो ठीक है भाई, अब देखो एक साथ लिख रहा हूँ सबको, पोटेशियम की आएगी तो K2O, कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी तो CO2, एल्यूमिनियम की आएगी तो Al2O3,
और बेरियम की आएगी तो बी ए ओ, ये होगा सभी में सही आंसर। ये बना दी भाई टेबल पूरी की पूरी मैंने, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया दूसरे पार्ट से आपके। मानव में अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? एड्रिनलिन हार्मोन से शरीर में होने वाले प्रभावों को समझाइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले तो इस अधिवृक्क ग्रंथि की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा खुले एरिया बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वह वृक्क के ऊपर पाई जाती है। किसके ऊपर स्थित होती है? वृक्क के ऊपर। देखो वृक्क की संरचना हम कुछ इस तरह की बनाते हैं, ये वृक्क की संरचना है, और इस वृक्क की संरचना में ऊपर की ओर कुछ इस तरह से एक टोपी बनाते हुए, इसकी जो टोपी नुमा संरचना होती है, एक कैप बनाते हुए ये जो है ये पाई जाती है। अब ये जो है आपको दिख रहा है ना, यही है अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये जो है वह कौन सी ग्रंथि है? अधिवृक्क ग्रंथि। और ये जो नीचे वाला दिख रहा है आपको, ये आपका वृक्क है। तो ऊपर की अधिवृक्क ग्रंथि और नीचे का हो गया वृक्क, तो ये वृक्क के ऊपर पाई जाती है, दोनों वृक्कों पर एक एक पाई जाएगी टोपी नुमा संरचना में। तो ये तो हो गई संरचना की बात इसकी। अब पूछा है एड्रीनलिन हार्मोन जो है वह क्या कार्य करता है? एड्रीनलिन हार्मोन, इसका कार्य पूछा है। एड्रीनलिन हार्मोन जो है इसे फियर हार्मोन भी कहते हैं, इसे अधिवृक्क हार्मोन भी कहते हैं, इसे एपिनेफ्रिन हार्मोन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं इस हार्मोन के, और इसका कार्य एक ही है, इमरजेंसी हार्मोन भी इसको कहते हैं। ये क्या करता है? शरीर को आपातकालीन स्थितियों में तैयार करता है। इसका मतलब भय की स्थिति हो, अंधेरे रास्ते पर आप जा रहे हैं, अचानक से आवाज होगी तो आप अलर्ट हो जाएंगे, एकदम होंगे नहीं होंगे, एकदम अलर्ट हो गए, कान भी खड़े हो जाएंगे, और एकदम छोटी छोटी जो आवाज़ वो भी आपको सुनने लग जाएगी, और थोड़ी सी एक दो बार हुई तो आप भागना शुरू कर देंगे। तो ये सब काम, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, ये सब काम जो है ये यही हार्मोन कराता है जिसका नाम है एड्रेनलिन हार्मोन। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा लेने लग जाएगा, मांसपेशियों तक ब्लड को भेजने लग जाएगा, हृदय की धड़कन तेज कर देगा, ये सब काम जो है वह किस हार्मोन के द्वारा किए जाते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा कि हृदय की धड़कन तेज कर देता है, श्वसन दर को बढ़ा देता है, मांसपेशियों को एक्टिव कर देता है, और रक्त को मांसपेशी मतलब कि हाथ पैरों में ज़्यादा भेजने लग जाता है, छोटी छोटी आवाज़ों को सुनाई देने, मतलब अलर्ट हो जाता है शरीर। तो वो सब काम जो है वह एड्रेनलिन हार्मोन ही करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ये समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है ना। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है समझाइए। देखो भाई प्रतिरोध ही क्या होता है, पहले तो इसको समझते हैं फिर हम इसकी निर्भरता समझेंगे। चलिए इस स्थान पर आ जाते हैं, यहां समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। प्रतिरोध धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करने वाले कारकों को प्रतिरोध कहते हैं। यही परिभाषा याद की है आप सभी ने, हमने भी यही किए कि भाई धारा किसी तार के अंदर से कुछ कारक ऐसे होते हैं, चाहे वह अशुद्धियां हों या रिक्तियां हों, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं तार को बनाते हैं जब, जिस कारण से वो विरोध करने लग जाती है। इसका मतलब कि उसमें धारा प्रवाहित होने के स्थान पर बीच बीच में ऐसी रुकावटें आती हैं जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है उसके प्रवाह में रुकावट उत्पन्न करती है, तो उन सभी रुकावटों को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे अंग्रेजी के आर से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रमुख रूप से दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो लंबाई पर और एक मोटाई पर। जो तार है उसकी एक तो लंबाई पर निर्भर करेगा, दूसरा किस पर निर्भर करेगा? मोटाई पर। लंबाई पर कैसे करता है? तो लंबाई पर कुछ इस तरह से करता है, आर समानुपाती होता है एल। इसका मतलब जितना लंबा तार होगा उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, जितना लंबा तार है उसका प्रतिरोध उतना ही ज्यादा है, तो आर समानुपाती क्या हो गया? एल। दूसरा ये मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर आप तार मोटा लेते हो तो उसका प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अब ये इसके पीछे एक फैक्ट है, तार लंबा है तो इसमें कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जगह कम है, लेकिन तार मोटा है तो इसमें से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, है या नहीं है भाई? आपको लग रहा है नहीं लग रहा? देखिए तो, और अब जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो प्रतिरोध कम है, तो वही वाला सिस्टम है, तार लंबा है तो प्रतिरोध ज़्यादा है, तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध कम है।
तो ये होगा इसका प्रमुख कारण। तो ये दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो तार की लंबाई पर और दूसरा करता है तार की मोटाई पर। जब हम प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो वो दो और चीज़ों पर निर्भर करने लग जाती है, एक तो तार की प्रकृति पर, बनाया किससे गया है उस पर, और दूसरा तार के तापमान पर कि उसका टेम्परेचर कितना है, किस टेम्परेचर पर हम उसको उपयोग में ले रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वह हम देखते हैं अगला। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा एक न्यूमेरिकल है इसी चैप्टर में से, जो आपका विद्युत धारा वाला चैप्टर है इसी में से न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए भाई इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम। क्वेश्चन पूछा है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध का मान बताइए। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दिया गया जो प्रतिरोध है उसका मान बताना है, कितना प्रतिरोध होगा इसका। बहुत सरल क्वेश्चन, आसानी से किया जाने वाला क्वेश्चन, देखिए कैसे होगा। ये रहा भाई आपका प्रतिरोध। अब इसमें देखो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है हमको, बीच में आपको दिख रहा है समांतर क्रम है, ठीक है, एक दूसरे के समांतर हैं लेकिन वैसे एक दूसरे की श्रेणी है। तो इनको जोड़ लीजिए पहले, तो 2+2 पहली वाली लाइन में कितना हो गया 4, नीचे की में 2+2 कितना हो गया 4। अब ये 4 जो हैं ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो देखो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2, ठीक है। 1/r की वैल्यू भी 1/4 और इसकी भी 4, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा 4, तो यहाँ से 1+1 = 2/4 1/2, तो r की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 ओम। दोनों के बीच में कितना प्रतिरोध होगा, 2 ओम प्रतिरोध होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ओम। सिंपल सा है, इन दोनों को पहले श्रेणी में किया, फिर इनसे जो वैल्यू आई उसको समांतर में किया, आंसर प्राप्त हो गया ए और बी के बीच में कितना, 2 ओम। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब, यहीं तक ही है। बहुत अच्छी बात है कि इतने से क्वेश्चन थे, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन करके देखे हैं ना, तो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका है हमारी क्लास को चलते हुए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। बड़ी एनर्जेटिक क्लास थी आज की, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हमने करके देखा। पढ़िए, देखो सबसे पहली बात है कि पढ़िए। आज जो मैं इस वीडियो को जब पब्लिश कर रहा हूँ, इसको लाइव जो मैं देख रहे हो आप इसको, तो आज जो तारीख हो चुकी है वह हो चुकी है 12 फरवरी, ठीक है। देखो अब जब आप यहीं तक ही पहुँचे हो इस वीडियो को देखने के लिए, तो सुनिए फिर, आज जो तारीख हो गई है वो हो गई है 12 फरवरी। आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो होंगे 14 मार्च से, तो आपके पास एक महीना ही बचा है, क्योंकि फरवरी तो वैसे ही 28 दिन की होती है, ठीक है। तो एक महीना आपके पास बचा है, एक महीने बाद आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, तो आप पढ़िए इस समय जितनी जो आप जान लगा सकते हैं उसको लगाइए, क्योंकि जो भी है वह रिज़ल्ट पर निर्भर करेगा। आपने जितना पढ़ा है, जैसे पढ़ा है अब तक, वो सब आपके रिज़ल्ट में दिखाई देगा और दिखना चाहिए, तभी तो सफल होगी मेहनत आपकी। आप जो तपस्या कर रहे हैं पिछले एक साल से, हम जो आपके साथ तपस्या कर रहे हैं, उसका फल आने वाला है अब। तो इस समय मत लड़खड़ाइए, इस समय बिल्कुल भी अपने पथ से भयभीत मत होइए, उससे दिशा को चेंज मत कीजिए, इस समय डटे रहिए। और एक महीने की बात है, एक महीना पेपर कंप्लीट होते ही, अधिकतम 40 दिन है आपके पास, पेपर सब कंप्लीट हो जाएंगे, 25 मार्च को आपके पेपर कंप्लीट है, ख़त्म। उसके बाद खूब आराम से आप ये मानिए कि पूरा अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है, जून पर 3 महीने हैं आपके पास, बोर हो जाओगे आप। मतलब आप ये समझ लेना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिनों बाद ये सोचने लग जाओगे, यार अब हम क्या करें, खूब छुट्टियाँ मना ली हमने, सब कुछ कर लिया, तो उन दिनों को याद करो, तो इसीलिए अभी पढ़ लो, नहीं तो फिर पेपर कंप्लीट होते आपके दिमाग में रिजल्ट की टेंशन घूमने लग जाएगी। तो वो रिजल्ट की टेंशन ना घूमे, इसलिए अभी पढ़ो अच्छे से, अभी समय है, कर सकते हैं हम इस चीज़ को कवर, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ समझ नहीं आ रहा उसको पूछिए, आप कमेंट कर दीजिए फटाफट, सर ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, 100% आपको कहता हूँ, आपके कमेंट के ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी उस पर, 100%। लेकिन कमेंट कीजिए, मुझे पता लगना चाहिए कि सर हमको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आप इस चीज़ को हमें बताओ, आपको तुरंत उस पर वीडियो मिलेगी और एक्सप्लेन्ड वीडियो मिलेगी, बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में, थोड़ा इंटरेक्ट कीजिए,
लेकिन अब जब फोन को आप देखें तो फोन में केवल और केवल आपको पढ़ाई से रिलेटेड चीजें देखनी है, और उनके लिए भी समय निश्चित होना चाहिए। हमारी जो क्लास का समय है वो 5 से 6 बजे तक है, और वो 5 से 6 ही चलेगी हमेशा, जब तक आपके एग्ज़ाम है 25 तारीख तक। 24 तारीख की शाम को 5 से 6 भी आपको मैं लाइव मिलूंगा और क्वेश्चन कराता हुआ मिलूंगा, तो आप जुड़े रहिए, बस क्वेश्चंस को कीजिए अच्छे से, जहां प्रॉब्लम आ रही है उनको पूछिए, कोई मना नहीं करेगा। ये हर सब्जेक्ट के लिए है, साइंस के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए है। मेहनत कीजिए, और चिंता मत कीजिए, मेहनत करने वालों की तो कभी हार होती नहीं है, बहुत ही अच्छा परिणाम आएगा आपको। जो आपने टारगेट बनाया हुआ है 100+100 का, वो 100+100 ही आएंगे। क्वेश्चंस ऐसे ऐसे ला रहे हैं जो निश्चित है कि वही क्राइटेरिया होगा, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो हम जितनी कर रहे हैं उतनी आप कीजिए अच्छे से। तो ये वीडियो आपने देखी यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप जुड़े रहे यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अब इस वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, नहीं किया है तो आपने, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। इसमें ऐसा मत रखना कि अरे मैं दोस्त को दिखा दूंगा तो वो ज़्यादा पड़ जाएगा, ऐसा नहीं। ये सोच नहीं होनी चाहिए आपके मन में कि कहीं वो देख लेगा, वो भी इन चीज़ों को समझ लेगा, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। नहीं, नंबर आएंगे आपकी मेहनत के, जो आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ों को देख रहे हो, जो समझेगा इन चीज़ों को, सबको शेयर कीजिए। विद्या बांटने से कभी कम नहीं होती, एक यही तो चीज़ दी है हमको भगवान ने, जो हम कभी भी कम नहीं हो सकती बांटने से। तो इसको बांटिए, शेयर करो वीडियो को ताकि और भी देख सकें। और पहली बार देख रहे हो वीडियो को तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और भी बहुत सारी वीडियो, ये 13वां मॉडल पेपर है, इससे पहले 12 हो चुके हैं, उनको देखिए, उनमें क्वेश्चन दिए हुए बहुत अच्छे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब मैं समाप्त करता हूँ। आपने देख ली वीडियो, उसके बाद फ़ोन को रख दीजिए, अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अच्छे से ताकि आप पढ़ सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, चिंता ना करें, कल फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे लाइव। धन्यवाद।